अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर व्लॉग। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जी जनाब, आज मेरा व्लॉग काफी दिनों के बाद आ रहा है, तकरीबन 5 दिन के बाद मैं व्लॉग अपलोड कर रही हूँ। काफी ज्यादा मसरूफियात थी, हालांकि मैं ये सोच रही थी कि जब मैंने व्लॉग स्टार्ट किया था ना, तो मुझे सब कहते थे कि वेले लोग ने काम ने तो वेल नहीं है, तू तो कर ही लेंगी। तो भाई इतने भी वेले नहीं है कि जितना लोगों ने समझा था, इतने वेले हम नहीं हैं, बहुत से काम होते हैं। लेकिन व्लॉगिंग भी साथ साथ में ही चल रही है। असल में बात बोला कि एडिटिंग करने का मुझे टाइम नहीं मिलता, व्लॉग तो मैं बना ही लेती हूँ। और ऊपर से आजकल मेरी स्किन का इतना बुरा कोई हाल चल रहा है, मैं काफी दिनों इनके पीछे ही भागती रही हूँ कि मैं क्या करूँ क्या करूँ, क्योंकि एक्ने बहुत ज्यादा हो गई थी फेस पे, बहुत बहुत ज्यादा। काफी लोगों ने बोला कि शायद बीफ का रिएक्शन हो, क्योंकि काफी लोग ये समझते हैं कि बीफ खाने से भी एलर्जी होती है। मुझे तो नहीं इस चीज का पता। काफी लोगों ने बोला कि ये मौसम ही ऐसा है, बरसात का मौसम है तो इस मौसम में भी ऐसा हो जाता है। तो बस इन्हीं चीजों में थी। डॉक्टर को अब दिखाया, उसने मेडिसिन लिख के दी है। मैंने डॉक्टर को बोला था रीजनेबल प्राइसेस वाली की मेडिसिन आपने मुझे लिख के देनी है, ताकि मैं उन्होंने तो नहीं मैंने बताया कि मैं इन्हें आगे भी लोगों को भी बताना है मैंने, लेकिन ये बोला कि मुझे रीजनेबल प्राइसेस वाली मेडिसिन लिख के दें। तो मेडिसिन तो काफी रिजनेबल प्राइसेस वाली हैं, लेकिन वो मैं आपको तब बताऊंगी जब मुझे खुद फर्क पड़ेगा। अभी तो ये है कि मेरे जो पिंपल्स वगैरह ज्यादा पस पड़ चुकी थी, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक हो चुके हैं। तो मैं अब आप लोगों को ना किसी नेक्स्ट वीडियो में उसका बताऊंगी। तो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज क्या क्या होता है। अभी तो कुछ नहीं पता कि आज क्या करना है, तो स्टार्ट करते हैं और फिर मैं आपको दिखाती हूँ आज की अपनी रूटीन। जी, अभी मैं बाहर आई हूँ और मुझे एक चीज नजर आ गई जो कि मैं आप लोगों को भी दिखाती हूँ। ये देखें जी, अमरूद लगा हुआ है। वैसे तो काफी अमरूद लगे हुए थे, लेकिन चिड़िया और कवर लोगों ने खा लिए सारे। और ये देखें, ये खा के ना इस तरह गिर जाते हैं, कुछ खराब हो जाते हैं। हमारे तो अंजीर इतने लगते हैं, अंजीर इतने ज्यादा लगे हुए हैं, लेकिन मसला यही है चिड़िया कौवे वगैरह खा जाते हैं ये सारे अंजीर लगे हुए। और ये देखें अंजीर, अंजीर बहुत लगे हुए हैं, लेकिन बस हमें नहीं खाना नसीब होते हैं। लेकिन चलो कोई नहीं, ये भी सदका जा रही है। मुझे तोड़ के देने लगे हैं और जी ये गया टूट। लो जी माशाल्लाह, इसको भी वैसे खाया हुआ है। एक वो ऊपर लगा हुआ है उसको भी खा लिया है। किधर गया, इधर ही लगा हुआ है, मुझे कैमरे में नजर नहीं आ रहा। ये लगा हुआ है, अच्छा मुझे वैसे नजर आ रहा था, लेकिन कैमरे में मैं ढूंढ ढूंढ के पागल हो गई किधर गया। और भी लगे हुए हैं, ढूंढते हैं कोई अमरूद। आज खाने का दिल हो रहा था तो, लेकिन जब बाहर आए, अच्छा जब छोटे थे तब मैंने देखा था काफी ज्यादा लगे हुए थे, अब आज तोड़ने के लिए बाहर आई हूँ तो नजर ही नहीं आ रहे। अच्छा एक ये भी है, लेकिन अभी ये बहुत छोटा है ये वाला। वो तो मैंने दिखाई है ये जी, बिल्कुल छोटा चुनु मनुष है। आज जी हमने कोफ्ते बनाए हैं खाने में, मतलब कि डिनर में। और जी इसके साथ अभी अंडे बॉईल करने हैं, लेकिन वो जब हम खाना खाने लगेंगे ना तब बॉईल करूंगी। अभी सिर्फ कोफ्ते मैंने पका के बस रख दिए हैं, जब फिर खाने होंगे तब बनाएंगे। और कोफ्ते मैंने सब रोसों के बनाए हैं। अभी हम चार्ली चार्ली खेलने लगे हैं और कबीर पेज रेडी कर रहा है और मुझे भी सिखाएगा कि कैसे खेलना है। ओए तुम्हें आते है? कैसे खेलते हैं? पेंसिल शो करूं। और अगर असल में चार्ली आ गया तो चार्ली से पूछेंगे गेम खेल, गेम स्टार्ट करें। अच्छा तो अगर कहेगा तो कर लेंगे, अगर नहीं कहेगा तो नहीं करेंगे। तो अगर उसने कहा कि गेम एंड नहीं करो तो फिर क्या करोगे? घंटे और खेलनी पड़ेगी। नहीं तो अगर मैंने जाना हुआ, मैंने नहीं खेलना हुआ तो भूत आपको खा जाएगा। भाई मैं डर गई। चार्ली चार्ली आई हुई है, चार्ली चार्ली आई है। चार्ली तो नहीं आया, लेकिन कबीर को चार्ली को बुलाने की चाह अभी तक खत्म नहीं हुई। चलो बस कर दो, आ जाओ ब्रो। चार्ली ने तो नहीं आना। मैं
वही ये जल जाएगा, गंद हो जाएगा कमरे में सारा, धुआं धुआं हो जाएगा। ये देखना, ये मैजिक है, मैजिक है, साइंस मैजिक। जबरदस्त।